सोनू पूरा भीग गया, सोनू पूरा भीग जा रहा है, देख सकते हैं। लड्डू सोनू, ऑल इन उदयपुर दीघा यहाँ पे आए हम लोग नहाने के लिए। बहुत ही ज्यादा शानदार जगह है, ये ओपन बीच है, यहीं पे हम लोग नहाने का सोच रहे हैं। और न्यू दीघा जोल दीघा उस तरफ नहीं, डाई यहाँ पे उदयपुर आए हैं नहाने के लिए स्पेशली। देखते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ा है यहाँ का उदयपुर का बीच जो है दीघा में, काफी बड़ा है। तो आज ये हमारे फैमिली लोग, ये देखिए आप लोग आगे आगे जा रहे हैं और मैं थोड़ा पीछे पीछे हूँ। दीदी भी मेरी पीछे पीछे आई रही है, जस्ट देख रहे हैं दीदी आई रही है यहाँ पे दिस वन। तो अब आगे आगे जा रहे, देखते हैं कहाँ हम लोग नहाएंगे और आगे आगे ब्लॉग दिखते जाएगा। ये हैशटैग सेकंड ब्लॉग है, आपको कब मिलेगा, कब अपलोड करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर बस अभी वीडियो बना बना के रख रहा हूँ, जिससे जब टाइम मिले तब अपलोड करके, मतलब एडिटिंग करके अपलोड कर सकूँ। बट जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा ये ब्लॉग। एंड देन आगे की तरफ का मैं नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ, काफी शानदार है। दैट्स वन लुक ऑफ उदयपुर दीघा बीच। सामने बीच दिखाई दे रहा है, देखते हैं सामने जाकर बीच और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे नहाने के बाद तो यार बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा। ये रहा सामने हमारा बीच, ओपन बीच उदयपुर का, काफी बड़ा है, बहुत ही मस्त। देखिए अब थोड़ा जब सामने जाएंगे तो पक्का आपको दिखाएंगे। और ये हमारा फैमिली बैठ गए यहाँ पे सीट पे। तो गैस अब डिसाइड हुआ है कि क्या कैकड़ा मछली फिश वगैरह जो जो क्या क्या खाएगा ये लोग। सो वहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे एटा किया दादा, कैकड़ा एटा की माछ एटा एटा एगुलो कैकड़ा और एगुलो चिंगड़ी। अच्छा सब है, ऐसा तो कुछ करने का डिसाइड है, देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं। और बस ये लोग तो यहाँ पे खाओ, यहाँ पे आओगे तो केकड़ा वगैरह फिश वगैरह नहीं खाओगे तो मतलब कुछ नहीं। यहाँ का जो है फेमस वो तो खाना ही पड़ेगा, देखते हैं कैसा लगता है टेस्ट। लेकिन अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं हुआ क्योंकि भैया को समझ में नहीं आया कि अच्छा है कि खराब, कुछ लेके फायदा नहीं होगा, पैसा वेस्ट करते तो कोई फायदा नहीं है। देखते हैं कि क्या लेते हैं क्या नहीं। अब आया दूसरा दुकान पे, देखते हैं यहाँ पे कैसा टेस्ट है और कैसा टेस्ट नहीं है। देख सकते हो वही फिश वगैरह सब कुछ है, शायद ये फिश एक्स्ट्रा है, ये वाला फिश, ये फिश एक्स्ट्रा है, ये फिश एक्स्ट्रा है, बस बस ये पॉम्पलेट माछ, पॉम्पलेट माछ। और यहाँ पे सब कुछ रेडी कर रहा है सबका ऑर्डर। देख रहे सब ऑर्डर के लिए बोल रहे क्या क्या, लोटे वगैरह, लोटे माछ। बंगाली लोग ये सब समझ सकते हैं और जो नहीं समझ सकते कमेंट में जरूर बताना। ये है आमूली माछ, ये ना, ये आमूली माछ। तो गाइस वीडियो ना ज्यादा बड़ा करते हुए बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि थोड़ा ये उदयपुर को, थोड़ा ये ओशन बीच आपको ओपन दिखा दूँ सारा, इससे आप लोगों को भी दिख जाए कितना बड़ा है। और आप लोग भी जब आना चाहो तो उदयपुर बीच में ही आओ, ना ही ओल्ड दीघा ना ही न्यू दीघा। तो बस आपको ये थोड़ा सा बीच दिखा दूँ, उसके बाद जो ऑर्डर दिया है वो भी आपको मैं दिखा दूँ, उसके बाद जो फिर हम लोग इन्जॉय करेंगे उदयपुर बीच में नहाने के लिए, बस वो भी दिखा दूंगा जिससे मेरे ये ब्लॉग कम्प्लीट हो जाए आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए। मेरा ऑर्डर तो गैस खाना पीना सब कंप्लीट, अब जा रहे हैं थोड़ा नहाने के लिए उदयपुर बीच में। काफी मजा आने वाला है यार, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे नहाने के लिए। काफी ज्यादा मतलब लहर जो मार रहा है बहुत ही तगड़ा मार रहा है, बहुत ही ज्यादा जोर से मार रहा है कि यार पूरा भीग ही जा रहा हूँ, मेरा पैंट पूरा भीग गया। और हम लोग फिलहाल थोड़ा आगे ही बैठे थे जस्ट, और पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे तो यार लहर भी मार रहा है और बढ़ भी जा रहा है। तो बस अभी आगे तरफ बढ़ रहा है, मैं आपको आगे तरफ का पूरा नजारा दिखाता हूँ, काफी सुंदर है, काफी बहुत ज्यादा बेहतरीन है आगे तरफ का पूरा नजारा। कितना दूर का ये है उदयपुर बीच दीघा, यही पे जस्ट नहाने वाले हैं। एंड देन एंजॉय कर रहे हैं मेरे दीदी, मेरी भगनी, मेरा भगना,
उस मेरा भैया का वाइफ जो है वो लोग इंजॉय कर रहे हैं जस्ट। हाय 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 हेलो कर दो सोनू, हेलो करो, हेलो सोनू, हाय इधर 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 हाय करो। मैं भी हाय कर देता हूँ। सब नहाने ये भी आया और आगे मैं जाऊंगा फोन रखने के बाद, फोन तो रख ही दूंगा अभी क्योंकि डर लग रहा है फोन गिर ना जाए, मेरे हाथ में ही है। जस्ट आगे आगे थोड़ा थोड़ा जा रहा हूँ, लहर मार रहा है, दिखा रहा हूँ आपको आगे थोड़ा और कैमरा लेके। देखिए लहर कैसे आ रहा है, लहर जैसे मारते ही पूरा कपड़ा ऊपर उठ जाता है, पानी पूरा भीग जाता है, देखिए थोड़ा काफी बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यार। अगले साल गया था दीघा, इस बार वापस आया हूँ, पता नहीं कब प्लान बन जाता है अचानक से आ जाने का। एंड देन आपको इंजॉय हो रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जिससे बहुत आदमी को पता चले इस उदयपुर बीच के बारे में। जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो जरूर आए यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। देख सकते हैं कितना ज्यादा लहर मार रहा है और पानी आस्ते आस्ते बढ़ ही रहा है। नहा सोनू, सब इंजॉय करे, देख लीजिए गाइस ज्यादा पानी में नहीं जा रहे क्योंकि बच्चे लोग, ज्यादा पानी जाने से ही प्रॉब्लम है। ओ भाई गजब, सोनू पूरा भीग जा रहा है, देख सकते हैं। इसको गोदी में उठा लीजिए। ओ बहुत ज्यादा लहर मार रहा है, कर ही रहा है, ज्यादा मजा आ रहा। ज्यादा वेट नहीं कर सकता, जा रहा हूँ मैं खुद नहाने के लिए, अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ। बस ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ क्योंकि यार मैं खुद नहीं नहा रहा हूँ, दीदी लोग और मेरी भांजी लोग, मेरी भाभी लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, बस मैं नहीं कर रहा, बस फोटो क्लिक कर रहा, वीडियो बना रहा, कुछ अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। तो अपना फोन रखने के लिए रिस्क भी है, देखिए अपना हाथ से अपना फोन ऐसे शूट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, अब जा रहे फोन रखने। बहुत ज्यादा वेट कर लिया, मैं भी जा रहा थोड़ा इंजॉय कर लेने नहा लेने और उसके बाद फिर मिलते हैं डाइट अगले ब्लॉग पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।